आसमानी हर तीस इल्मो हिकमत हर साफ बुलस्तानी हर लफ्ज बोस्तानी अरे शाजी बेटा, क्या कर रही हैं आप? बस अब्बू कुछ नहीं, मैं ये मकाला मुकम्मल कर रही थी। मकाला? जी, गुलिस्तान सादी पर कल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार है, एक पेपर मुझे भी पढ़ना है। भाई बहुत खूब, भाई जरा हमें भी बताइए कि आपने क्या लिखा है सादी पर, किस पहलू को उभारने की कोशिश की है? जो मुआशरती फलाह और समाजी आसूदगी का सबब बनने वाले लोग हैं उनकी हिफाजत कुदरत करती है, वो मौत का जाम नोश करके भी जिंदा और जावेद रहते हैं। इन्हीं मुसलहों में शेख सादी का शुमार होता है। वाह, अपनी तहरीरों से उन्होंने समाज की सोच ही बदल डाली। आलम इंसानियत के लिए एक ऐसा गुलिस्तान रख छोड़ा जो रहती दुनिया तक महकता रहेगा, जिसे वक्त कभी पामाल नहीं कर सकेगा, कभी नहीं। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब लिखा है तुम। वाकई जिंदगी एक शोला है जो मौत के हाथों सिर्फ सर्द होता है, वो बुझ नहीं सकता क्योंकि राज़ खुदा है, वो किसी पे मुनकशिफ नहीं होता, वो कभी मर नहीं सकता। बस अब्बू अब रहने दीजिए आप इसे। आपने वैसे मुझसे कुछ वायदा किया था, याद कीजिए कि आप मुझे उनकी कोई हिकायत सुनाएंगे। अरे भाई, शेख सादी पे आप काम कर रही हैं और हिकायत मुझसे सुनेंगी? सुना दीजिए ना अब्बू प्लीज। पता है अबू, जब आप कहानी सुनाते हैं ना तो नक्श हो जाती है। प्लीज। अच्छा तो सुनो, एक नौजवान ने किसी मुश्किल वक्त में एक बूढ़े की मदद की थी, मगर गर्दिश जमाना से वो नौजवान किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार हो गया और उसे कत्ल की सजा सुना दी गई। सिपाही जब उसे लेकर मकतल की तरफ रवाना हुए तो तमाशा देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। अरे मैं तो इस नौजवान को जानता हूं, ये तो नेक और भला है, फिर ये सिपाही लोग इसे कहां लेके जा रहे हैं? अरे सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ,
ये सिपाही लोग इस नौजवान को कहां लेके जा रहे हैं? ये नौजवान किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, इसे सजाए मौत सुनाई गई है। अब ये लोग इसे मक्तल की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये नौजवान ऐसा नहीं कर सकता। इस नौजवान को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तो काफी नेक है। आपकी राय बादशाह से बढ़कर है, है? अरे बादशाह ने खुद इसका मुकदमा सुना है, तब जाके इसे सजाए मौत दी है। आलमपना को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, ये नौजवान तो मेरा मोहसिन है, ये कभी जुर्म कर ही नहीं सकता। भाई आपके पास इस बात का कोई सबूत है? हाँ हाँ है ना, ये देखिए। ये तो कोई पुराना जख्म लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, जख्म तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इन जख्मों पे मरहम इसी नौजवान ने किया था। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसी कहानी जिससे सुनकर रिश्तों से नफरत होने लगती है। जब तक ये बूढ़ा जिंदा है।
हाल जिंदगी का ख्वाब नहीं देख सकते। अरे क्यों घबराते हो भाई, कल तक तो उसकी सांसें, उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू हो जाएगी, खुशहाल और ऐशो इशरत से भरी हुई जिंदगी। बेटे मैं बहुत थक गया बेटे, अब कितना और चलना है। ये तुम लोगों का हकीम कहाँ है भाई? अरे अभी तुम्हारी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर किए देते हैं। अरे बेटा ये क्या है? तुम्हारे गले का नाप ले रहे हैं। अच्छा अच्छा समझ गया, तुम लोग मेरे लिए नया अचकन बनवाना चाहते हो। कफन तैयार कर रहे हैं तुम्हारे लिए बूढ़े घुसट, न खुद जीते हो और हमें जीने देते हो। अब तुम्हारे लिए मरना ही बेहतर है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप हूं मैं तुम्हारा। बाप बूढ़े खुसर, तुमने ही कहा था ना कि जब तक मैं जिंदा हूं ये खेत तुम्हारे नहीं हो सकते। तो इन खेतों को अपना बनाने के लिए हर मरना बहुत जरूरी। अपने बाप का गला घोट रहे हो तुम लोग। अरे जहन्नम में जाओगे तुम लोग, बहुत अजाब होगा तुम लोगों के लिए वहां। वो अजाब इस अजाब से कम ही होगा। तुमने हमें हर पल मरने के लिए मजबूर किया है, न ढंग का खाना न ढंग के कपड़े, हमारी हालत उन भिखारियों की सी है जो हर पल सड़कों पर भीख मांगते रहते हैं और फिर शाम को खाते हैं। तुम्हारा मरना जरूरी है। बातों में ज्यादा वक्त जाया ना करो छोटे, तुम इसकी गर्दन दबाओ, मैं इसको जख्मी कर दूंगा ताकि लोग ये समझें कि इसे जंगली जानवरों ने मार डाला। अरे अरे कोई है? अरे इस सुनसान इलाके में तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा बुद्धे? गांव वाले तो अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। बचाओ
बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ बचाओ, अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे अरे बचाओ, अरे कोई कोई मुझे बचाओ, अरे कोई कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, हाँ अरे अरे मुझे मुझे बचाओ। अरे ये मेरे अपने बेटे, मेरा गला घोटना चाहते हैं, अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनकर यहाँ भेजा है, मुझे 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 इनसे बचाओ, मुझे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अम्बासा वहीं रुक जाओ, किधर की औलाद, पापा हो जाओ, अपने बाप को बंद करने चले हो, खुदा का खौफ करो, जबान पर लगाम दे वरना काट दे, जबान बंद कर वरना यही काट दूंगा, दबा हो जाओ। चल छोटे, इस बुड्ढे को बाद में देख लेंगे, चल और तुझे भी देख लेंगे। आप वाकई सच कह रहे हैं, इस नौजवान को जरूर किसी ने फंसाया है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे इसे बचाना होगा। लेकिन आप इसे कैसे बचाएंगे? हाँ? वो तो मक्तल तक पहुंच भी गए होंगे। अफसोस, सद अफसोस, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, अरे अरे साथियों, हमारे बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। क्या? हाँ, बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे सुनो, बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। क्या? बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे क्या हो गया? अरे अरे साथियों,
बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। अरे क्या हो गया? बादशाह सलामत इंतकाल कर गए। क्या बादशाह सलामत इंतकाल कर गए? अरे अफसोस अफसोस। अरे ये मैं क्या सुनाऊं, हमारे बादशाह सलामत इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये मैं क्या, क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं, अभी अभी खबर आई है महल से कि बादशाह सलामत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या सुनाऊं मैं? बादशाह सलामत नहीं रहे? तबरेज़, हमें महल खाने जाना होगा। अरे छोड़ इस बदबख्त को, आ जाओ आ जाओ जल्दी। अलीजा, क्यों रो रहे हो तुम? अलमपना, शहर में किसी ने अफवाह उड़ाई है कि बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया है। क्या बक रहे हो? खड़ा हो जाओ। जान बख्शी हो बादशाह सलामत, हमारी दुनिया तो बिल्कुल तारीख हो गई थी और हम अपने बादशाह सलामत को देखने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें माफ कीजिए आलमपना। जाओ, जिस काम के लिए गए थे वो काम मुकम्मल करके आओ। और वो नौजवान आज गुरूब आफ्ताब से पहले कत्ल कर दिया जाए। जो हुक्म जा। सल्तनत, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सल्तनत में अमन और अमान है और हमारे रियाया हमसे बहुत खुश है और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे। ये क्या गुस्ताखी है, किसको पकड़ कर लाए हो? जहां पना, ये वही गुस्ताख है जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की और झूठी अफवाह फैलाई। बादशाह सलामत, इसी ने उस नौजवान की भागने में मदद की। ऐ नेकबख्त, तूने हमारे मरने की खबर क्यों उड़ाई? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? बादशाह सलामत, मेरे झूठ बोलने से आपकी जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मेरे झूठ ने तो मेरे मोहसिन नौजवान की जान बचा ली। जब मैं मुसीबत में था तो वो नौजवान मेरे काम आया और इंसानियत और जवान मर्दी का तो यही तकाजा है कि अगर आज वो मुसीबत में है तो मैं उसके काम आ सकूं। इसीलिए आलीपना मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे सजाए मौत दें। सारा माजरा तफसील से बयान करो, हम भी सुनना चाहेंगे। ऐसा हुआ आलमपना,
क्या हम आपकी औलाद नहीं? हम दूसरे लोग हो गए? ए बुजुर्ग, हम तुमसे बहुत खुश हुए। बोलो, हम तुमको क्या इनाम दें? अगर आप इस नौजवान की जान बख्श देंगे तो मैं ये समझूंगा कि आपने मुझे इनामो इकराम से नवाजा है। बस अभी भी तुझे उस नौजवान की फिक्र है? चलिए, हम उसके खता माफ करते हैं और हम हुक्म देते हैं कि वो जहां कहीं भी छुपा हो तो ये खबर उस तक पहुंचा दी जाए। आलम पनाह, आपका इकबाल बुलंद हो। शुक्रिया, शुक्रिया आलम पनाह, शुक्रिया। सखावत और भलाई हर मुश्किल का बेहतरीन हल है। हर सा फबुल सितानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी।